ये वो नाली है जो के आगे यहाँ से आगे जाके जो गैरेज लाइन के जो लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर मट्टी डाल के उसे बंद कर दिए। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है पेट्रोल पंप से। वो कॉर्नर से तो ये कॉर्नर से यहाँ से नाली जा रही है और यहाँ से ये नाली होते हुए ये जो यहाँ पर गट्टू लगाए हुए है यहाँ से पूरे बीच में से यहाँ से जा रही है। आगे चल के गैरेज वालों ने इसे उसके ऊपर शायद मट्टी डाल दी है या उसे मोच दिया गया, इसके कारण वहाँ पर आगे पानी तुम रहा है। सबसे ज्यादा हादसे यहाँ पर होते हैं। एमसीएन समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शोएब शाकिर शेख के साथ। आज हम आए कन्नड़ शहर के मेन रोड पे। असल में ये कन्नड़ शहर का एंट्रेंस है। अब एंट्रेंस बोले तो ऐसा है कि औरंगाबाद से जब भी कन्नड़ के अंदर किसी को अंदर आना होता है, दाखिल होना होता है, उसे इसी रोड से गुजरना पड़ता है। ये रोड जो है तो पहले नेशनल हाईवे था लेकिन अभी बाईपास निकल गया तो रोड उधर चेंज हो गया। लेकिन ये नेशनल हाईवे पर समस्या कुछ ऐसी है कि यहाँ से इस रोड से जो है तो मतलब बड़े बड़े जैसे कन्नड़ के MLA हो गए, फिर उसके अलावा जो है तो कन्नड़ के जितने भी अधिकारी है वो अधिकारियों को सबको इसी रोड से जाना पड़ता। लेकिन ये रोड से वो लोग जाने के बाद भी ये रोड पे जो इतने बड़े बड़े गड्ढे जो गड़े पड़ चुके हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि ये गड्ढे जो पड़े हैं ये कुछ तादाद में लोगों की लापरवाही की वजह से हुए कि मतलब यहाँ पर जो है तो BNC की नाली हुआ करती थी 20 साल पहले, बाद में वो नाली जो है तो कुछ मतलब बंद कर दी गई। लेकिन वो बंद करने के बाद भी हुआ ये कि जो लोग यहाँ पर स्थानीय तौर पर रह रहे हैं तो रहने के बाद वो लोगों ने कंप्लेन भी की कि भाई नाली को चालू किया जाए, नाली को वापस से जो है तो रिपेयर कराया जाए, लेकिन ऐसा BNC ने कोई एक्शन नहीं ली। इसके अलावा ये लोग जो है तो ग्राम पंचायत जहाँ पर ये लोग वोट करते हैं ये लोग वहाँ पर भी गए लेकिन ग्राम पंचायत से भी एक्शन नहीं लिया गया। 2017 से अभी तक लगातार ये लोग जो है तो कंप्लेन देते आ रहे हैं लेकिन उस कंप्लेन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि जो अभी हमारे कन्नड़ के आमदार साहब है तो आमदार साहब को भी कन्नड़ में दाखिल होने के वास्ते ये रोड से आना पड़ता, जाना पड़ता, लेकिन आमदार साहब की जो हाई लेवल की गाड़ी है तो वो गाड़ी में ये गड्ढे तो दिखाई देते भी नहीं होंगे शायद। और इसके अलावा जो दूसरे अधिकारी है जैसे BNC के इंजीनियर हो गए, उसके अलावा जो है तो ग्राम पंचायत के अधिकारी हो गए या फिर पंचायत समिति के या फिर कन्नड़ के जो CO साहब है, तो ये सारे अधिकारियों को किसी की भी नज़र इन पर नहीं पड़ रही है। और ये तकरीबन 10 साल से ये रोड का हाल ऐसे ही है। हालांकि कन्नड़ जो है तो मतलब कन्नड़ का हाल इस तरह कर दिया गया है कि यहाँ पर ग्रोथ का रेशो 0 हो चुका है और उसका सीधा साधा एग्जांपल कन्नड़ में दाखिल होते ही आपको दिखाई देगा। का हल निकालने के लिए इन्होंने किसके पास जाना चाहिए, क्या इन्होंने आमदार के पास जाना चाहिए? अगर आमदार साहब भी जो है तो मतलब ये सुन रहे हैं तो आमदार साहब को भी चाहिए कि आप इसका हल निकालें। अब अगर ये ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी प्रॉब्लम का हल तो कुछ सोचे तुम लोगों ने? हम लोकशाही मार्ग और संविधान से जो कोई अधिकार है उसके लिए हम उपोषण व आंदोलन करेंगे। कब तक? जब तक वो कोई सही लिखित जवाब देते नहीं तब तक हम आंदोलन 8 तारीख के दिन पंचायत समिति कन्नड़ यहाँ पे हम करने वाले हैं। और हमारे साथ में जो भी लोग हैं जिनके ऊपर ग्राम पंचायत कार्यालय ने अन्याय करी हुई है, यानी स्पेशली नाल्या का काम हुआ नहीं, जो कोई पावसाली जो कुछ काम है जो कि बारिश के पहले करने को होना था वो काम हुए नहीं, उसके वजह से हम तमाम मकरंदपुर के पूरे नागरिक हम लोग वहाँ पे आंदोलन पंचायत समिति को करने वाले हैं। और जो हर एक बात में बांटना चाहते और हर एक बात में जो कुछ लोक प्रतिनिधि है हिंदू मुस्लिम के बात आगे करके जो विकास है उसको छुपाना चाहते हैं। अब जैसा जो सरपंच है, कौन है सरपंच? सरपंच सना शेख असलम। सना शेख असलम,
तो हिंदू मुस्लिम बोले तो अब नॉर्मली देखा जाए तो ये एरिया भी पूरा मतलब गैरेज लाइन वाले तो मैक्सिमम इसके अंदर मुस्लिम ही थे, तो फिर वो यहाँ का विकास क्यों नहीं कर रहे, वो थोड़ी ना हिंदू मुस्लिम कर रहे। तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, पर उनका ऐसा ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है, क्या हमने इधर 20-25 मतदान के लिए 5 लाख रुपए क्यों खर्चा करना। उन्होंने मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बोले हुए क्या भाई, ये 10-15 मतदान के लिए हमने 1-2 लाख रुपए खर्चा करने वाले नहीं है, हम उतना ही पैसा गांव में अगर डाले तो गांव वाले हमको आदत मदद करेंगे, पर मतदान एक रहो क्या 10-15 रहो, उनको विकास का लाभ मिलने को होना। अच्छा, ये जो शब्द थे कि 10-15 मतदान 25-30 मतदान के वास्ते हमने इतने पैसे खर्चा क्यों करना, ये शब्द जैसा पर्टिकुलर किसने बोला था तुमको? ये हम नाम नहीं बोलेंगे, पर ग्राम पंचायत में सब जो कोई यहाँ के नेता है कि ये बोलते ये हमारे नेता है, ये बोलते हमारे, ये हिंदू मुस्लिम जो भी नेता है दोनों के, उन्होंने बोले गए मतदान करो करके हम तुम्हारी नाली बना देंगे। मेरे को क्या बोले उन्होंने, मेरे को मतदान करो बोले तुम विनायक सरपंच, उन्होंने मैं तुम्हारे को नाली बिली सब बना के देता। तो फिर तुमने मतदान करे थे उनको? पूरे ए टू जेड मतदान करे हमने उनको, जावी सेठ को आए थे वो बोले तुम मतदान करो बोले इनको हम तुम्हारे को नाली बना के देते, अब कोई भी हमारी तरफ देख रहा नहीं। अभी समझ लो ये ग्राम पंचायत चुन के आने को भी टाइम कितना हुआ, इनको 1.5 साल हो गया, इनको 2 साल हो गए, इनको मैंने बोला, इन्होंने क्या बोले मेरे को जवाब दिए, बोले पहले वालों ने नहीं करे तो हम क्या करेंगे, बोले ऐसा जवाब दिए मेरे को ये ग्राम पंचायत वालों ने। तो तुमने जब उनको बोलना चाहिए था ना कि भाई तुमने बोले थे हमको मतदान करो हम नाली करेंगे, तुमने बोले अरे बोलते हो मतदान दिए तो ऐसा नहीं करे बोलते हो, हमारे पास वो बजट भी नहीं बोलते। हाँ बजट भी नहीं बोलते। अभी जैसे दूसरे रोडों के काम हो रहे, कब्रस्तानों के काम हो रहे, बजट तो आ रहा ना ग्राम पंचायत उनको पास। हमने ये ताकत बोल दी कि भाई आधे पैसे हम 3-4 घर मिलके देते हैं, आधे तुम डालो, ये ताकत बोल दी उनको, क्या बोलना तुम्हारे को। और ये लोगों की तकलीफ जो हो रही है बस ये दूर हो जाए बस। सबसे बड़ी तकलीफ आने जाने वालों की है, क्योंकि रास्ते जो चलने वाले ऐसे रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, कई लोग घुटने टूट रहे, पैर टूट रहे, फ्रैक्चर हो रहे, कितने एक्सीडेंट यहाँ पूरा देखने हुए। वहाँ पे जो है तो कम से कम 2-2 फीट के गड्ढे हुए, पानी नहीं निकलने की वजह से वहाँ पे 2 फीट था तो वहाँ गिर जाता आदमी। तो ये थे हमारे साथ मकरनपुर ग्राम पंचायत के जो है तो लोग जो यहाँ पर मतलब स्थानीय तौर पर रहते हैं और परेशान है। परेशान किस चीज़ से, हालांकि ये लोग कम्प्लीटली टैक्स पेड लोग है, नल पट्टी घर पट्टी इनके बाद अभी तक की पूरी रनिंग भरी हुई है, इसके अलावा सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग जो है तो मकरनपुर ग्राम पंचायत के पास जाने के बाद भी इन लोगों का हाल ये है कि इन्हें सलूशन नहीं मिल रहा।